हाय स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 5 करेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि एक राइट ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि कम है। आगे कहता है ई द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और जो उसका हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड अदर टू साइड्स, हमने अदर टू साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। जैसे लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू एक्स, तो हमने बेस को एक्स सेलेक्ट कर लिया। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड 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 क्या होगा इसका, ये एल्टीट्यूड होगा हमारा एक्स माइनस 7। जैसे कि हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, ये बेस हमने एक्स सेलेक्ट किया, तो एल्टीट्यूड हमारा ये हो जाएगा, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7 हो जाएगा, और हाइपोटेनस यहाँ पे 13 दिया हुआ है, इसको हमने ए बी और सी मान लिया। और यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, आइडेंटिटी हमारी कौन सी लग जाएगी, ये आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर 169 इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x। क्या करेंगे, इसको इस साइड में ले आते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169। और यहाँ से 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ से 120 आ जाएगा। अब हम इसको इस साइड में लेके आएंगे, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, और इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो 2 कॉमन निकाला तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0।
ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 60 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस सेवन एक्स। तो यहाँ 60 के हम फैक्टर बनाएंगे एलसीएम लेके, तो इसके हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, ये फैक्टर बनेंगे हमारे 12 और 5। फिर यहाँ पे आपने देखना है कि दोनों साइन माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर माइनस का ले लेंगे, लार्जर नंबर हमारा माइनस का आएगा। तो ये माइनस 12x प्लस 5x और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये आ जाएगी माइनस 60x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। यहाँ से कॉमन निकाल लो, x इंटू एक्स माइनस 12 आ जाएगा, और यहाँ प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब ये फैक्टर बन चुके हैं, तो अब हम इसका x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। यहाँ से x माइनस 12 इक्वल टू जीरो और x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x इक्वल टू 12 आ जाएगा और ये x इक्वल टू माइनस 5 और ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। और x हमने क्या लेट किया, यहाँ पे बेस किया था, तो बेस हमारे क्या आ जाएगा, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड इक्वल टू एक्स हमारा 12 है माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा।